दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में बीती रात कुछ लोगों ने एक परिवार पे एकाएक हमला कर दिया। हमलावर इनके आसपास के रहने वाले थे, जिसमें एक शख्स को चाकू गंभीर रूप से लगी और अस्पताल जाते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हमारे साथ मृतक के चाचा हैं, क्या नाम है और किस बात को लेकर हुआ था? मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरा भतीजा था करण, जिसको कल रात 8-10 लड़कों ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल जाने के बाद में पटेल नगर हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद में उन्होंने बीएल कपूर रेफर कर दिया, वहाँ पर हमें बताया गया कि ये मृत हो चुका है और जानने वाले हैं लड़के जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। किस बात को लेके हुआ था? कुछ हमारी गली है, उसके बाहर ही हमारे घर के बाहर बैठ जाते थे, आती जाती लड़कियों को कमेंट करते थे, माँ बहन करते थे, बदतमीजी करते थे और नशा पत्ता भी करते थे। तो जो हम इनको इसी बात पे हम इनको रोका करते थे कि यहाँ मत बैठो, अपने घर जाओ, हमारे घर के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी और बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। और कब कब पहले मना किया था आप लोगों ने? मैंने एक रात पहले ही 100 नंबर फिर कॉल हुई थी, मतलब वारदात से एक दिन पहले, मतलब परसों के दिन। तो उन्होंने हमारे पे पथराव भी किया था, उसमें पुलिस वाले भी आए थे, पुलिस वालों ने उनको कोई कार्रवाई नहीं करी, उन पे आए और चले गए, बोले मैं कल आऊँगा और कल ये काम हो गया। कितने लड़के थे जो कल रात को? 8-10 लड़के थे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ बाहर के भी थे। अब धीरे धीरे वीडियो में जैसे जैसे पता लग रहा है तो वो लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। और उन्होंने कुछ नहीं आओ देखा ना था, वो घात लगा के बैठे थे और जैसे ही मेरा भतीजा काम पर से आया उन्होंने आते ही चाकू मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण हम घर से बाहर निकले। इतने में हमारे भतीजे को देखा तो घायल पड़ा हुआ था, हमने उसको उठाया हॉस्पिटल भेजा और हम उन लड़कों के पीछे भागे। तो उनके जो घर वाले और भी थे और जो उन्होंने हमें डंडे से हमारे पे पथराव किया, डंडे से हमारे को गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसमें मेरा भतीजा एक प्रवेश, मैं और मेरी भाभी मीनू तीनों घायल हैं, जिनके सबके स्टिचेज आए हैं, टांके आए हैं। मेरे साथ मृतक के भाई हैं, कितने लोग थे और क्यों हमला किया गया? सर 7 से 8 लोग थे, वही गांजा पीते थे, 10 से जो भी है गांजा पीते थे रोड पे। कोई भी लेडीज जा रही होती उसको कमेंट मारते थे, कोई भी जा रही हो, कोई लड़की जा रही हो छोटी उस पर भी कमेंट मारते थे, गंदे गंदे कमेंट मारते। एक दिन पहले चाचा ने ये बोला, भाई यहाँ बैठते हो तमीज़ से बैठो, नहीं बैठना तुम्हारी गली है वहाँ जाके बैठो, पीना है गांजा अपने घर पे पियो। उस थोड़ी देर बाद उन्होंने पथराव कर दिया, ईंटों का पथराव कर दिया। फिर क्या हुआ, अगले दिन हम जैसे कि मेरा छोटा वाला भाई है ट्यूशन पढ़ाता है ऊपर चौक पे, उधर क्या 4-10 बंदे इकट्ठा हो गए नीचे आ गए और चाकू मारने के लिए भाई को आ गए थे। रोड पे आए ऊपर, भाई ने देखा भाई नीचे खड़े हैं, तो भाई ने हमें फ़ोन किया, भाई ऐसी ऐसी बात है। तो हम गए छोटे वाले के पास, तो छोटे वाला बोल रहा, तो हमने देख लिया, तो हम भी ग्रुप में गए थे, वो भी काफ़ी बंदे थे, तो इसलिए गए थे ग्रुप में कि हमें लगे ना ज़्यादा, इसलिए गए हम पर, तो देख के चले गए उस टाइम। तो हम गौरव को ले आए थे घर पर। थोड़ी बात क्या किया, मैं और मेरे चाचा हम बाहर गए थे दुकान पर और सारे खाना खा रहे थे उस टाइम पर, खाना खा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रोड पर शोर मचा, करण को चाकू लग गया, मैं भागा, फिर मैंने अपने चाचा को बुलाया, चाची को बुलाया, उतने में फिर वो आए, हम उनके पीछे भागे। डंडा वंडा बतरा बहुत ज़्यादा हुआ था, मेरे 6 से 7 स्टिचे लगे हैं, ये चाची के 4 से 5 स्टिचे लगे, चाचा के 3 लग गए थे। और वो जैसे कि हम ये सब हो गया, उसके बाद हम अपने भाई को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल भी नहीं जान दे रहे थे, उल्टा हमें और मार रहे थे वो। करण को कितनी चाकू लगी? करण को 8 बार चाकू मारा गया। जब हम पुलिस वाले से पूछा, हमें तो लगा था 1-2 लगा होगा, लेकिन जब पुलिस वालों से पूछा उन्होंने बोला 8 बार मारा हमारे भाई को। तब हमारी थोड़ी हालत खराब हो गई। बगल में थाना है, आप लोगों ने? बगल में थाना था, 100 नंबर, आधे घंटे भी पहले फोन कर, गली में चिल्ला रहा था, 16 साल का हूँ, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, मार के चला जाऊँगा जेल, 6 महीने में आ जाऊँगा घर, ऐसे गली में शोर मचा था और रात में चाकू था। आधे घंटे पहले भी 100 नंबर कॉल करा। जिस दिन ईंट पड़ी थी ना, उस दिन भी वो गली में आए थे पुलिस वाले, अशोक कुमार नाम था, क्या नाम था, अशोक जी नाम था, उधर उनके सामने भी चाकू, उन्होंने अपने मारा है, हमारे नहीं मारा, उन्होंने पुलिस वालों के सामने अपने मार लिया। अच्छा, अब बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करी होती तो हमारा भाई बचा होता? और हम हॉस्पिटल जब लेके गए हैं ना, तब भी वो पीछे से पहुंच गया अपना सर फुड़वा के, भाई इन्होंने मारा हमारे को। तो मृतक के परिवार का कहना है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई की होती तो शायद करण आज जिंदा होता। आनंद कुमार, दिल्ली तक।